पांच साल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाया है। कम से कम एक निश्चित समय अगर उसका मिलता है तो लोगों को लगता है कि चलो अगले दो साल में हमारा एम्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले तीन चार साल से, पिछले हमारे यहाँ जब स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, वो आए थे, वो भी बता रहे थे, बोले थे कि बस नेक्स्ट डे हम सिक्स मंथ्स के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे स्थिति में ये तो सरकार की बात है, लेकिन फिर भी आपकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है, आप डायरेक्टर हैं इस एम्स पटना के? मैं एक छोटा सा इतिहास आपको बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई वो 2010 में शुरू हुई, एंड उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई बीच में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बात बिल्कुल ही बंद हो गई थी। लेकिन अब हम इस स्टेज पर हैं, आज मैं कह सकता हूं सबके सामने कि मैक्सिमम मुझे 4 मंथ्स और लगेंगे कि हम शायद सारी एक्टिविटीज को शुरू कर दें। डॉक्टर्स का चयन भी हमारे यहाँ हो चुका है, काफी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हमारे यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अपना काम भी शुरू कर दिया है। जहाँ तक बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन का है, उसमें 3-4 महीने से ज़्यादा अब नहीं बचा है, और हमें लगता है कि इस साल हम जो है पूरी तरह से एम्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब आगे 2 साल की बात नहीं बची है, मुझे लगता है आपको विश्वास करना चाहिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि इनके लिए अब तो निश्चित रूप से ताली आप लोग दीजिए, क्योंकि इन्होंने इस साल के बारे में कहा है, कम से कम मोटिवेट करने के लिए भी तो कम से कम एक ताली दीजिए आप लोग कि इनके पीरियड में हम लोग को एम्स पटना दिखाई देगा कि वो अब रन करने लगा है। अब एक सवाल है पारस से, बहुत बड़ा बिग नेम, बिग ब्रांड कॉर्पोरेट, उसमें पारस का जहां आज खड़ा है वहां पे मुझे लगता है कि बहुत कम हॉस्पिटल भी इनके बराबर में कोई खड़ा है। वैसे स्थिति में बड़े लोग तो बहुत आसानी से चले जाते हैं, जो गांव के लोग हैं, जो सुविधाएं जिनको गांव में नहीं मिल पाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, एक रूफ के नीचे पारस में आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट एक साथ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ एक मोटी राशि, एक मोटी रकम। एक छोटा सा सवाल इनके लिए है, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सवाल उन गरीबों के लिए है, उन मध्यम वर्ग परिवार के लोगों के लिए है कि इतने बड़े कॉर्पोरेट उसमें जाना उनके लिए प्रॉब्लम तो होता है।